चीन के औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है और चीन में औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती आने से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3% की गिरावट दर्ज की गई और कच्चे तेल की कीमत $103.9 प्रति बैरल रही। यूरोप भी आगामी दिसंबर तक रूस से कच्चे तेल का आयात करता रहेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सीमित देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। SBI इकोरैप ने तो अगले 1-2 महीनों में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के नीचे जाने की संभावना जताई है। सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कच्चे तेल की मांग लगातार कम हो रही है और इस साल अप्रैल में चीन में पेट्रोल, डीजल व हवाई फ्यूल की मांग में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 20% तक की कमी हो सकती है। इस हिसाब से चीन में कच्चे तेल की खपत में प्रतिदिन 12 लाख बैरल की कमी का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में चीन में कच्चे तेल की औसत मांग के मुकाबले अभी 9% तक की कमी आ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से कुछ दिन पहले तक कच्चे तेल की वैश्विक कीमत $90 प्रति बैरल के आसपास थी, जो युद्ध के बाद $130 प्रति बैरल के पास पहुंच गई थी। चीन में कच्चे तेल की मांग में कमी और यूरोप व अमेरिका द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने से कच्चे तेल में फिर से नरमी का रुख शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से चीन के कई प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगने से वहां का औद्योगिक उत्पादन गिरावट के साथ पिछले वर्ष 2020 के फरवरी के पास पहुंच गया है। यूरोपीय देश की तरफ से रूस से कच्चे तेल की खरीदारी जारी रखने से रूस ने कच्चे तेल का उत्पादन जारी रखा है। रूस प्रतिदिन 47 लाख बैरल का उत्पादन करता है और इस उत्पादन का 50% यूरोप के देशों को निर्यात करता है। मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।